हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 13 ऑफ इंग्लिश, द स्टोरी ऑफ माय लाइफ. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ हेलन केलर एंड दिस इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ हेलन केलर, हु वाज अ राइटर एंड अ लेक्चरर एंड शी डिस्क्राइब टू लाइव्स हर टू लाइव्स शी डिस्क्राइब हर टू लाइव्स एंड द ड्रॉबैक ऑफ हिज लाइफ वॉज दैट शी वॉज डीफ डम्प एंड ब्लाइंड. या स्टूडेंट्स, वो बहरी थी, गूंगी थी और अंधे होने के बावजूद भी वो क्या थी, एक राइटर और लेक्चरर थी. इतना होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया और अपनी टीचर की हेल्प से एजुकेशन ली और बहुत कठिनाइयों को फेस करते हुए वो क्या बनी, राइटर एंड लेक्चरर. शी वॉज सक्सेस इन हर लाइफ, वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल लेडी बनी. सो दिस इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ हर लाइफ. लेट्स रीड दिस व्हाट शी सैड. शी वॉज बोर्न ऑन 27 June 1880 एंड डाइड 1968. सो लेट्स रीड दिस. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे आई रिमेंबर इन माई लाइफ इज वन ऑफ विच माई टीचर एने मैंसफायर सुलिवन came to me and filled with wonder when I considered the immeasurable contrast between the two lives which is connect. It was the 3rd of March 1887, 3 months before I was 7 years old. तो इसमें हेलन केलर क्या बता रही हैं, वो कहती हैं कि ये मार्च 1887 की बात है, जब मुझे 7 साल होने में 3 महीने रह गए थे कि मैं 3 महीने बाद 7 साल की हो जाती. तो वो बताती हैं कि ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन था मेरी लाइफ का, जब मैं अपनी टीचर एने सुलिवन से मिली. वो मेरे पास आई, मैं बहुत हैरानी से भर गई. और उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है अपनी टू लाइफ्स के बारे में, एक तो उनकी टीचर के आने से पहले की और एक उनके टीचर के आने की बाद की. तो वो क्या बताती हैं, वन द आफ्टरनून ऑफ दैट इवेंटफुल डे आई स्टूड ऑन द पोर्च डम एक्सपेंटेड आई गेस्ट वैगली फ्रॉम माई मदर साइन एंड फ्रॉम द हरिंग टू एंड फ्रो इन द हाउस दैट वॉज समथिंग अनयूजल वॉज अबाउट टू हैपन सो आई वेंट टू द डोर एंड वेटेड द स्टेप्स. वो क्या कहती हैं कि एक दोपहर को मैं अपने घर के बरामदे में खड़ी हुई थी एक आशा के साथ, और मैंने एक अस्पष्ट रूप से गैस किया अपनी मम्मी के साइंस को, उनके साइंस को मैंने क्या किया, गैस किया, अनुमान लगाया, और मुझे अपनी सिक्स सेंस से ऐसा फील हुआ कि कुछ अनयूजुअल असामान्य घटना घटने जा रही है. सो आई वेंट टू द डोर, मैं डोर के पास चली गई. सो वो बात कर रही थी कि एक दोपहर को, एक बहुत उस दिन मुझे लग रहा था जैसे इम्पोर्टेंट डे है, मैं अपने बरामदे में खड़ी थी एक आशा के साथ, और मैंने अनुमान लगाया अपनी मदर के कुछ साइंस का, और मुझे लगा कि आज कुछ अनयूजुअल घटना होने वाली है. सो मैं डोर के पास चली गई और वहाँ पर मैं वेट करने लगी. उस दोपहर को क्या था, द आफ्टरनून सन penetrated the mass of the honeysuckles and covered the porch and fell on my upturned face. उस दिन सन पूरी शाइनिंग के साथ चमक रहा था, और क्या था, पूरे बरामदे में जहाँ पर मैं खड़ी हुई थी और शब्स के ऊपर जो भी वहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए थे, और मेरे फेस के ऊपर क्या रहा था, पूरा सन की रोशनी पड़ रही थी. उस दिन मेरे हाथ जो हैं वो कांप रहे थे, बड़े सुस्त थे, ऐसा लग रहा था कि मैं अपने आप में एक निर्जीव फील कर रही थी, बहुत अजीब सा लग रहा था. हालांकि स्प्रिंग का मौसम था और पत्तियां नहीं थी, नए फूल खिल रहे थे, और जो ये सारे नेचर था वो स्प्रिंग का वेलकम कर रही थी. बट मुझे नहीं पता था उस दिन क्यों स्ट्रेंज लग रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ मार्वल और सरप्राइज मुझे मिलने वाला है, कुछ अनोखा फ्यूचर मुझे मिलने वाला है.
एंगर एंड बिटरनेस हैड प्रेड अपॉन मी कंटिन्यूली फॉर वीक्स एंड डीप लैग्योर हैड सक्सेड दिस पैशनेट स्ट्रगल। और क्या था कि मैं बहुत टाइम से बहुत क्या फील कर रही थी, गुस्सा और कड़वाहट मेरे अंदर भर गई थी और मुझ पर लगातार कई हफ्तों कई महीनों से मुझ पर ये क्या हो रही थी, हावी हो रही थी। और मैं अपने आप में ही क्या कर रही थी, बहुत स्ट्रगल कर रही थी। हैव यू एवर बीन एट द सीन डांस फोक व्हेन इट सीम्ड एज इफ टेंगेबल वाइट डार्कनेस शट यू इन एंड ग्रेट शेप टेंस एंड एनकिशियस क्रॉप्ड हर वे टूवर्ड्स द शोर विथ प्लूमेंट एंड साउंडिंग लाइन्स एंड यू वेटेड विद beating heart for something to happen. I was like that the ship before my education began only was without compass or sounding lines and had no way of knowing how near the harbor was. Light give me light was the wordless cry of my soul and the light of love shone on me in that very hour. So इसमें हेलन क्या बताती हैं कि उनकी लाइफ किस तरह की थी। वो कहती हैं कि मेरी लाइफ ऐसे थी जैसे एक घनी धुंध में किसी समुंदर में एक शिप होती है और उसके पास कोई रास्ता नहीं होता पानी को, ना उसे पानी की गहराई का पता है, ना कोई आवाज़ है, ना उसे किसी रास्ते का पता है कि किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना है। तो वो अपने आप को कंपेयर करती है कि अब मैं एक ऐसी शिप की तरह थी, एक ऐसी शिप की तरह थी कि मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मेरी लाइफ में क्या होगा, मुझे क्या करना है, और मैं बहुत कंफ्यूज थी। मेरी एजुकेशन शुरू होने से पहले मेरे पास ना कोई कंपास थी ना कोई साउंडिंग लाइन थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि जिस तरह शिप को घने फोग में नहीं पता चलता कि हार्बर कब आएगा, बंदरगाह कब आएगी, कब उसका रास्ता ख़त्म होगा, इसी तरह मुझे भी कुछ नहीं पता चल रहा था। मैं विदाउट कंपस थी, लेकिन जो मेरी अंदर की सोल थी वो मुझे चीख चीख के कह रही थी कि मुझे रोशनी चाहिए, मुझे रोशनी चाहिए। आई फेल्ट अप्रोचिंग स्टेप, आई स्ट्रेच इट आउट माई हैंड एंड आई स्पोज टू माई मदर समवन टू किट एंड आई वॉज कोट अप एंड हेल्ड क्लोज इन आर्म्स ऑफ हर हु हैड कम टू रिवेल ऑल थिंग्स टू मी एंड मोर देन ऑल थिंग्स एल्स टू लव मी। आई फेल्ट अप्रोचिंग फुटस्टेप, मुझे महसूस हुआ कि मेरे पास कोई आ रहा है। मैंने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और मुझे लगा मेरी मदर है। किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने पास किया, अपने क्लोज कर लिया और उन्होंने मेरी क्लोज इन द आर्म, और जो मेरे पास आया था मुझे मेरे अंधकार को दूर करने के लिए और जिनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या थी, मैं थी, मुझे प्यार करने के लिए उस टाइम कोई आया। द मॉर्निंग आफ्टर माई टीचर केम शी लेड मी इन टू हर रूम एंड गेव मी अ डोल। द लिटल ब्लाइंड चिल्ड्रन एट पेरिंग्स इंस्टीट्यूशन हैड सेंड इट एंड लॉरियर ब्रिगमैन हैड ड्रेस इट बट आई डिडंट नो दिस until afterwards when I had played with it little while Miss Sullivan slowly spelled into my hand the word doll. I was at once interested in the finger play and tried to imitate it. As we all know, जैसा हमें पता है कि हेलन केलर क्या थी, वो डीप डम्प और ब्लाइंड थी, वो ना देख सकती थी ना सुन सकती थी और ना ही बोल सकती थी। तो उनकी लाइफ क्या थी, बहुत अनयूजुअल लाइफ थी, बट उन्होंने अपनी स्ट्रगल के साथ अपनी विद द हेल्प ऑफ हर टीचर बहुत स्ट्रगल किया, उनकी टीचर ने उनकी बहुत हेल्प की एंड शी सक्सेस इन हर लाइफ। तो वो कहते कि मेरे टीचर आने के बाद वो मुझे एक कमरे में ले गए और उन्होंने मेरे हाथ में एक डोल पकड़ा दी और मैं उस डोल के साथ खेलने लगी। जब मैं उसके साथ खेल रही थी तो कुछ टाइम बाद मिस सुलेविया मेरे पास आई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से उन्होंने मेरे हाथ पर लिखा DOLL डोल। इट वॉज वॉन्ट इंटरेस्टेड इन फिंगर प्ले, मुझे इस फिंगर प्ले में, इस खेलने में मुझे बहुत मज़ा आया जब उन्होंने मेरे हाथ पर लिखा, और मैं भी क्या करती थी उसको इमिटेट करती थी, नकल करनी मैंने शुरू कर दी।
When I finally succeeded in making the letters correctly, I was flushed with childish pleasure and pride. जब मैं इन लेटर्स को सही तरीके में लिखने में कामयाब हो गई तो मेरा जो बचपन था वो खुशी से और गर्व से भर गया. Running downstairs to my mother, I held up my hand and made the letters for doll. मैं अपनी मम्मी के पास गई. I held up my hand, मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस डॉल के लिए कुछ लेटर्स, कुछ वर्ड्स अपने हाथ पर लिखने लगी. I didn't know that was spelling word, even that words existed. मुझे नहीं पता था कि जो मैं स्पेलिंग्स लिख रही हूँ उसके वर्ड्स एग्जिस्ट हैं भी या नहीं. I was simply making my finger go in monkey like imitation. तो मैं सिर्फ बंदर की तरह क्या करती थी, इमिटेट कर रही थी, नकल कर रही थी अपनी टीचर की. इन दैट डेज फॉलोर आई लर्न टू स्पेल इन दिस अनकम्प्रीहेंडिंग वे अ ग्रेट मैनी वर्ड्स, अमंग दैम पिन, हैट, कप एंड फ्यू वर्ब्स लाइक सिट, स्टैंड एंड वॉक. तो उन दिनों में मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी, मैंने बहुत से वर्ड्स सीखे जैसे पिन, हैट, कप और बहुत सी वर्ब क्रियाएं सीखी जैसे सिट, स्टैंड एंड वॉक. बट माई टीचर हैड बीन विद मी सेवरल वीक बिफोर आई अंडरस्टूड दैट एवरी थिंग हैज़ अ नेम. पर मेरे जो टीचर थे वो मेरे पास काफ़ी, मेरे साथ काफ़ी समय रहे, काफ़ी हफ्तों तक रहे. आई अंडरस्टूड दैट एवरी थिंग हैज़ अ नेम. तब मुझे समझ आया कि हर चीज़ का एक नाम होता है. वन डे वाइल प्लेइंग विद माई न्यू डॉल, एक दिन मैं अपनी नई डॉल के साथ खेल रही थी, मिस सुलिविन पिट माई बिग रैग डॉल इन टू माई लैप. उन्होंने एक बड़ी सारी डॉल मेरे झोली में रख दी और मेरे हाथ पर एज यूजल स्पेल लिख दी, DOLL, एंड ट्राई टू मेक मी अंडरस्टैंड द डॉल अप्लाइड फॉर बोथ. और उन्होंने मुझे समझाया कि हर चीज़ का क्या होता है, कोई मीनिंग होता है. तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे समझाया मेरे हाथ पर लिखकर. वैसे तो वो देख भी नहीं सुन सकती थी, सुन भी नहीं सकती थी और बोल भी नहीं सकती थी, लेकिन उनकी टीचर विद द हेल्प ऑफ साइंस और लिखने के जरिए उन्होंने समझाया कि छोटी हो या बड़ी हो, इसके लिए हम एक यूज़ करते हैं वर्ड डॉल. Earlier in the day, we had a tussle over the word mug and water. Miss Sullivan had tried to impress it upon me, mug is mug and that water is water. But I persisted in confounding the two. In despair, she had dropped the subject for the time, only to renew. It is the first opportunity. I became impatient at her repeated attempts. तो वो कहते कि अगले दिन मेरी टीचर ने मुझे दो वर्ड्स और सिखाने की कोशिश की, mug और वाटर. वो बार बार ट्राई कर रही थी कि मग मग होता है और वाटर वाटर, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया. तो इससे क्या हो गई, उन्होंने मुझे कहा कि अब बहुत पढ़ाई हो गई, एक बार इसे छोड़ दो. सो स्टूडेंट, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर स्टोरी एंड नेक्स्ट ऑफ द पार्ट वी विल डू टुमारो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.